दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, चुनाव सर पर है, चुनाव दस्तक दे रहा है और अगले 3 महीने में हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के 90 विधानसभा सीटें हैं इन पर चुनाव का आगाज हो जाएगा, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हरियाणा के अंदर एक्शन में आ गई है, सक्रिय हो गई है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस समय पूरे एक्शन में है। हरियाणा के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, विपक्ष के नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, आपको ध्यान दिला दूं आगे बढ़ने से पहले कि अमित शाह आए थे हरियाणा में इसी सप्ताह और कह करके गए थे महेंद्रगढ़ के अंदर हुड्डा साहब को कि हुड्डा साहब पाई पाई का हिसाब लेके आया हूं। हुड्डा साहब को इशारा दे गए थे, एक तरह से कह गए थे, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा आजकल जवाब मांग रहे हैं। हरियाणा मांगे जवाब के नाम से यात्रा चल रही है जिसके अभी तो रथी दीपेंद्र हुड्डा हैं, बीच में उसमें बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल होंगे, ये चर्चाएं हैं। और इन सब के बीच में, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और पूरी कांग्रेस हरियाणा की जनता की तरफ से एक 15 सवालों वाला एक तैयार किया है प्रपत्र और उसको लेकर के हरियाणा की जनता मांगे जवाब इसे इसके साथ अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत चल रही है रथ यात्रा दीपेंद्र हुड्डा की। जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा की यानी कि रविवार को रथ यात्रा शुरू हुई थी 15 तारीख को, उस रथ यात्रा के करनाल से शुरू होने के बाद आए थे अमित शाह महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में सम्मेलन तो ओबीसी का था लेकिन उस सम्मेलन के अंदर क्योंकि कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से, हरियाणा मांगे जवाब के नाम से जो कैंपेन लॉन्च किया उसका जवाब दिया अमित शाह ने, कहा कि बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेके आया हूं, पाई पाई का हिसाब करूंगा। बस वहीं से ही ये चर्चा शुरू हो गई कि अमित शाह किस प्रकार से हिसाब देंगे। लेकिन यहां तो बही खाते और खुल गए, हिसाब सरकार का मांगा जा रहा था लेकिन बही खाते खोल दिए गए विपक्ष के नेताओं के। विपक्ष यानी कि कांग्रेस जवाब तो सरकार से मांग रही थी हरियाणा की जनता की तरफ से कि आप बताएं 10 साल में क्या किया, लेकिन ईडी ने बही खाते खोल दिए कांग्रेस के नेताओं के। जिस दिन महेंद्रगढ़ में आए अमित शाह, रैली करके गए, जनसभा करके गए, अगले ही दिन वहां पहुंच गई, एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन वहां पहुंच गई ईडी। महेंद्रगढ़ के ही विधायक राव दान सिंह के ठिकानों पर, उनके निवास पर, उनके भाई के निवास पर, उनके परिजनों के निवास पर छापेमारी शुरू हो गई। 17 घंटे तक छापेमारी चली और वहां से कुछ दस्तावेज ले गए। लोगों को लगा कि राव दान सिंह पर एक्शन होगा क्योंकि राव दान सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नज़दीक हैं। अभी हाल ही में उन्होंने महेंद्रगढ़ भिवानी का लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था जिसमें वो पीछे रह गए थे कुछ वोटों से, लगभग 40-45 हज़ार वोट से वो चुनाव हार गए। चौधरी धर्मवीर वहां से चुनाव जीत गए और ईडी के एक्शन के बाद में चर्चाएं तेज हुई कि क्या राव दान सिंह के बहाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई संदेश है। मैंने कल वीडियो डाला था, आपने देखा भी होगा, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों राव दान सिंह पर जो छापेमारी, जो दबिश हुई, अभी लोग सोच रहे थे कि उसमें एक्शन क्या होगा। लेकिन उससे पहले जब आज का दिन शुरू हुआ यानी कि आज शनिवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार को, सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी गिरफ्तार करके अंबाला ले गई और बाद में उनको पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया। रावदान सिंह पर दबिश और उसके बाद में सुरेंद्र पवार पर एक्शन। और इसके साथ ही एक खबर और सुर्खियों में रेंगने लगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के इस समय पुरोधा, वो भी निशाने पर है ईडी के। कहा जा रहा है M3M की लगभग 300 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया गया। ये अभी बताऊंगा आपको, पहले आपको बताता हूं सुरेंद्र पवार के मामले में। सुरेंद्र पवार जो है वो माइनिंग का कारोबार करते हैं, खनन का कारोबार है उनका। और आपको ध्यान होगा कि आज से लगभग 6 महीने पहले यानी कि जनवरी मास में भी दबिश दी गई थी सुरेंद्र पवार के निवास पर, सुरेंद्र पवार के ठिकानों पर। और इसके साथ साथ ही दबिश दी गई थी यमुनानगर के पूर्व विधायक, वो इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक हैं, अभय सिंह चौटाला के समधी हैं दिलबाग सिंह। और बताया जा रहा है कि जो इनेलो के नेता दिलबाग सिंह और कांग्रेस के नेता सुरेंद्र पवार, कांग्रेस के विधायक, इनेलो के पूर्व विधायक और कांग्रेस के विधायक,
इनका जो खनन का कारोबार है इसके अंदर इनकी कोई साझेदारी थी, कोई ना कोई इनके व्यावसायिक समझौते थे। और अब ये बताया जा रहा है कि जो दिलबाग सिंह की जो गिरफ्तारी हुई, हालांकि वो दिलबाग सिंह जमानत पर रिहा हो चुके हैं। आपको यहां जरूर याद दिलाना चाहूंगा, जब दिलबाग सिंह को गिरफ्तार किया था ईडी ने, 5 दिन बाद गिरफ्तारी हुई थी उनके दबिश के बाद में, और बताया गया था, ईडी ने दावा किया था, तमाम खबरों चली थी सोशल मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में खबरें चली थी कि दिलबाग सिंह के निवास से बड़ी मात्रा में खजाना, पैसा, धन दौलत या अवैध हथियार, सोना चांदी, ये तमाम दिखाया गया था और उसका विरोध किया था दिलबाग सिंह ने भी और अभय सिंह चौटाला ने भी, कहा था कि उन पर हम कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने फेक खबरें चलाई हैं, गलत न्यूज़ चलाई हैं। क्योंकि कह दिया गया कि ईडी ने जो अपना पत्र जारी किया उसके अंदर किसी प्रकार की रिकवरी दिखाई नहीं गई थी। हालांकि दिलबाग सिंह जमानत पर रिहा हो चुके हैं, वो जमानत पर हैं। और बताया जा रहा है कि दिलबाग सिंह के साथ कनेक्शन जोड़ा गया सुरेंद्र पवार का, सुरेंद्र पवार के यहाँ भी दबिश हुई, सुरेंद्र पवार से पूछताछ हुई। अब ये बताया जा रहा है कि सुरेंद्र पवार से हुई पूछताछ में ईडी संतुष्ट नहीं थी और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया और उनको अपने साथ अम्बाला ले गई, उनके बेटे को भी साथ में ले गई पूछताछ के लिए। अब रिमांड पर उनसे पूछताछ होगी, ईडी अपनी तसल्ली करने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का कहना है, खासकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, उनका एक बयान जारी हुआ जिसके अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो कारवां बढ़ रहा है ये रुकने वाला नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि बदले की भावना से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से दबाने के लिए किया जा रहा है ताकि जनता के मन में, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि जनता सब जानती है। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने जारी बयान में यह कह दिया कि जनता अपना मन बना चुकी है अब। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा साहब, ईडी तो एक्शन लेने के मूड में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी, क्योंकि जहां सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी हुई तो मीडिया के अंदर एक और खबरें रेंगनी शुरू हुई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी दबिश बढ़ाई जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है, घेरे में लिया जा रहा है। और मैंने आपको कल एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि क्या दीपेंद्र हुड्डा को भविष्य का चेहरा बनाया जा रहा है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ईडी का शिकंजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पर भी अगर कस रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो उस समय की लैंड डील के मामले में उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और ईडी के सीबीआई के मुकदमे मामले भी इसके अंदर चल रहे हैं, अदालत में भी विचाराधीन है, जांच भी चल रही है। अब ईडी ने M3M यानी कि जो एक बिल्डर है, बड़ा ग्रुप है, और जिनके साथ में बताया जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर आरोप है कि उनकी सरकार के दौरान में जब वो सत्ता में थे तो जो एक कॉलोनाइजर हैं, एक बिल्डर हैं बड़े, M3M यानी कि M3M इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की 88.29 एकड़ में काटी गई कॉलोनियां जो कि लगभग जो कीमत 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, अब उस संपत्ति को भी अटैच किया है ईडी ने। यानी कि एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक, क्योंकि राव दान सिंह भी हुड्डा समर्थक हैं और सुरेंद्र पवार भी हुड्डा समर्थक हैं, आप ये मान लीजिए कि राव दान सिंह को टिकट दिलवाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरा जोर लगा दिया था और किरण चौधरी की टिकट कटवा करके ले आए थे, और सुरेंद्र पवार दूसरी तरफ जो सोनीपत के विधायक, वो कितने नज़दीक हैं हुड्डा साहब के, कि सुरेंद्र पवार के लिए निखिल मदान जो वहाँ के मेयर हैं दीपेंद्र हुड्डा के नज़दीक थे, उनकी बलि दे दी गई क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की टीम के जो निखिल मदान थे वो शामिल हो गए जा करके भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अब अगर हुड्डा साहब पर भी शिकंजा है तो फिर कांग्रेस के क्या एक्शन होंगे? वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ईडी की जो कार्रवाई चल रही है इसके पीछे क्या चुनाव को देखते हुए, जैसा आरोप कांग्रेस लगा रही है, कि क्या ये बदले की भावना की कार्रवाई है और या फिर एजेंसियों का अपना एक्शन? आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव नजदीक देखते हुए सब कुछ ये चल रहा है, और आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले दिनों में ईडी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कोई शिकंजा कस सकती है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।